200 आदमी की मैंने साइन करवा लिए है, फिर मैं तेरे को अब जेल में डलवा दूंगा। हमें तो बोलते हैं कि कुत्ते हैं ये कुत्ते, इनके दिमाग कुत्तों की तरह है। तो यहाँ से कंप्लेंट की थी कि यहाँ पे बच्चों को लोग काटते हैं, यहाँ पे स्कूल में इतने बच्चे यहाँ पे आते हैं, अगर कोई आ जाता तो आप लिख के दीजिए कौन जिम्मेदार है। जो आप पाले हुए हैं ना उनको बांध के रखो आप। हमारा तो एक हमने बांध के रखा, उसको हमने के मम्मी के पूछ रहे यहाँ पे भैया है, उन्होंने रखे हुए हैं डॉग, स्टे डॉग है, उनको खाना खुना खिलाते हैं। ये वही डॉग्स हैं। हाँ भाई ठीक है, तो ऐसी तो है ये, बस यहाँ बैठे रहते में बैठे हुए। मेरी भांजी आई हुई थी, बोलती है कि एक रखो बाकी डिगीस कैसे रखे हुए हैं। मैंने बोला एक माँ के कितने बच्चे होते हैं, तो क्यों उनको छोड़ आते हैं, तेरे को बोलूँ मैं अपने लड़के को छोड़ा होगी, तो इतने बच्चों की तरह पाले जानवर है तो क्या हुआ है, तो जान है एक जैसी होती है ना। अंकल जी कहाँ है? बहुत रेडी पर गोलगप्पे बनाते हैं। मैं करता हूँ सुबह 9 से रात को 10-11 बजे तक पानी पूरी सेल, जितने भी पैसे बचेंगे उनमें अपना और उनका गुजारा कर लेते हैं। बेजवान है ना, उनका ध्यान भी तो हमें रखना है और किसको रखना है। बस हम जितनी कमाई होती है चलाया हुआ है सिलसिला। दो मेरे बेटे हैं, एक आर्मी की तैयारी कर रहा है। लोग मुझे जब तंग करेंगे सारे आस पास वाले, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरा सपोर्ट करना है, क्योंकि मेरी नज़रों में मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये रॉबिन है और इसको रॉबिन सर लेकर आए, उन्होंने इसको अपना नाम भी रॉबिन दे दिया है। फिलहाल ये काफी खुश है और हेल्दी भी हो रहा है, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुश हो रहा है। ये है राजकुमारी दुबे, जिन्होंने इस डॉग को गुजरात के लिटिल रन ऑफ कच्छ नामक डेजर्ट से रेस्क्यू किया है। पिछले 5 साल से वो ये काम करती आ रही है। समुद्री पानी द्वारा रेत में छोड़े गए नमक को निकालने का एक खास सीजन होता है। जो लोग इस नमक को निकालने जाते हैं वो अक्सर अपने साथ जंगली पशुओं से सुरक्षा के लिए कुत्ते ले जाते हैं, लेकिन जब ये सीजन खत्म होता है और वो लोग वापस आते हैं तो उन कुत्तों को वहीं छोड़ आते हैं। डॉग्स को उन किसानों से लगाव होता है, उनके बच्चों के साथ वो खेल चुके हैं, वो प्रेम करते हैं उनसे, उन्हें नहीं पता है कि उन्हें छोड़ा गया है। एक बार किसान वहां से वापस आने के बाद मैं तुरंत ये रेस्क्यू करना शुरू कर देती हूँ। ओके आ गया। पहले मैंने शुरुआत तो अपने तरीके से की थी, लेकिन फिर फेसबुक मिला, फेसबुक में मुझसे लोग जुड़े और खास बात यह है कि पीपल फार्म भी जुड़ी। पीपल फार्म की वजह से मेरे पास केजेस हुए, ट्रैप केजेस। मुझे दिक्कत आती है जब मैं 10 डॉग एक विलेज में छोड़ने के लिए जाती हूँ। हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो विलेज पीपल उसको अपना ले। एक गांव में 10 बच्चों को रिलीज करते हैं, क्योंकि अगर इससे ज्यादा करेंगे तो उन्हें खाने में दिक्कत आ सकती है। रिलीज करने से पहले चाहे घायल डॉग्स का इलाज करना हो या बाकी डॉग्स को स्टरलाइज करना हो, अगर उनके पास अपना क्लिनिक हो तो वो ये काम और बेहतर तरीके से कर पाएंगी। आगे मुझे हॉस्पिटल बनाना है, क्योंकि जब दर्द होता है ना सबको समान होता है। डॉग अपना दर्द तो बता नहीं सकता है उसको, लेकिन तकलीफ तो होती है, तो उसके लिए डॉग कैचर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। भगवान ने हमको बनाया ही इसलिए है कि हम अच्छे कर्म करें, किसी और जानवर को अपने भलाई के लिए यूज नहीं करना चाहिए। गाय का एक्सीडेंट कल हुआ था, काफी गहरा वुंड है, बोन भी थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि एनलार्ज्ड है। इसको मैगेट्स थे और शी फेल इनटू ड्रेनेज। हाइपोथर्मिया भी है क्योंकि बारिश हो रही है, भीगी है गाय और उसके बाद फिर ये एक्सीडेंटल ट्रॉमा की वजह से उठ भी नहीं पा रही है। इसका बेबी डिलीवर हुआ है अभी 2-3 दिन पहले। बच्चे की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली है कि अगर माँ को कुछ होता है तो बच्चे का ध्यान हम रखेंगे। ये सिल्वर से क्या है? ये स्प्रे मारी होगी उन्होंने। माँ को दूध आ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि माँ का दूध निकालेंगे और वही दूध हम बछड़े को देंगे। हम ये भी ध्यान रखेंगे कि भाई माँ को प्रॉपर सप्लीमेंट प्रोवाइड किए जाएँ, इसको भी कमजोरी ना हो। मसाज के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अगर गाय बैठी हो या कमजोरी है तो उस टाइम पैर में ब्लड सर्कुलेशन बनी रहे, जिसके लिए दिन में 2-3 बार मसाज करनी चाहिए। खड़ी हो गई है तो अभी इसको बॉटल फीड करने की जरूरत नहीं है, अब ये खुद पी रही है और इसके साथ साथ पायल है हमारे पास, वो भी इसके दूध पी रही है। इधर से देखो कितने प्यार से रहती है, सबसे सुंदर रहती है।
हमने इसका नाम चौक रखा है और इसका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। जो फ्रंट लेग था बहुत बुरी तरीके से क्रश्ड था, हड्डियाँ पूरी क्रश्ड थी, पंजा तो ना के बराबर रह गया था। सप्लीमेंट्स के थ्रू थोड़ी सी इसको पॉट करने की कोशिश की एंड देन उसके बाद एम्पुटेशन सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। क्योंकि उम्र में भी छोटी है अभी रिकवरी अच्छी ही दिख रही है हमें, पर थोड़ा इसको समय लगेगा। इसका एक बार ठीक हो जाए फिर हम इसको अडॉप्ट कराने की कोशिश करेंगे। छोड़ गया, अरे डकार लिया इसने। अभी अभी इन लोगों का फीडिंग खत्म हुआ है ना। गुड गर्ल, चलेगी तो बिल्कुल नहीं ना बच्चा। नहीं इसको पेन है ना अभी तो, ये उतना नहीं, लेकिन थोड़ा सा ठीक हो जाए ना तो फिर हम थोड़ा इसको ओपन एरिया में छोड़ेंगे ताकि खुद से चलना फिरना शुरू करे। ये गोल्डी है, 4 दिन का आइसोलेशन हो गया इसका, ये बिल्कुल हेल्दी है। आज हम इसको यहाँ धीरे धीरे इसको रिलीज करेंगे, मतलब इन सबके साथ, ताकि इसको आदत हो जाए एनिमल एरिया। तुम्हें पता एक चीज हुई है, ये नर नहीं मादा है। जो लेकर आए थे उन्होंने भी यही बोला कि ये मेल है मुर्गा ही। तो फिर एक नोन है उनको इसका वीडियो भेजा, जिनको इनकी नॉलेज होती है थोड़ा, उन्होंने बोला ये फीमेल है, देखते हैं कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं ये सारे। वैसे ये ओए ओए ओए। ये तो वो इंप्रेस नहीं होगी तब से। अभी हम लोग जा रहे हैं एक बैल को रेस्क्यू करने के लिए। उसके सर में एक होल सा है, उनको ये लग रहा है कि गोली मारी है। इधर जैसे गोली मारी है ना इसको, पहले भी 2-3 बैलों को पड़ी हुई है ना, एक को यहाँ था और एक को पेट में था, वो तो ठीक हो गया, इसको बड़ी ज्यादा हो गया ना। बैल उधर कमरे के अंदर बंद किए हुए है। गोली है ना, कीड़े पड़े पर रसा फ्रेंडली है तो। वहाँ लोग बोलते कि शायद गोली भी मारी हो सकती है, पर गोली नहीं मिली हमें जब यहाँ आया, क्योंकि वूंड डीप ही नहीं था, तो वो सुपरफिशियल वूंड था। हो सकता है कि इसकी फाइट हुई हो, किसी ने सिंग मार दिया हो, मैगेट वूंड था, तो मैगेट्स के लिए हम नाइवमेटिन डाल दिया था इसमें, और हल्दी पेस्ट इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। वूंड बहुत सुपरफिशियल है और जल्दी भर जाएगा। इसका नाम बगुला है। बबूला? बगुला। अच्छा बगुला, मतलब मेरे को इसका नाम शॉर्ट रखना था, पर इसका नाम बगुला ऑलरेडी पड़ गया था, क्योंकि बिल्कुल हेडशॉट लग रहा है ना। कॉल आई है रेस्क्यू के लिए कुठेड़ से, पांव में कट लगा हुआ है, इसलिए हमने टीटन शीट भी किया, वो पकड़ में नहीं आ रही थी, तो आज इसको रेस्क्यू कर लेंगे। एक दिन में नहीं होगा ना ठीक, दवाई लगाते रहोगे ना डेली? हाँ कोशिश करूंगा, क्योंकि ज्यादा है ना कट, इनको बांध के रखना पड़ेगा, अगर जितना पानी पोने में जाएगी तो इधर मैगेट कीड़े पड़ जाएंगे, खराब हो जाएगा फिर पूरे पांव, क्योंकि एक दिन में नहीं ठीक होगा, एकदम घुटता है इसका, जैसे हमारा घुटता है, पर ये ठीक नहीं होगा ना यहाँ पे, फिर ज्यादा कीड़े पड़ गए तो टांगे चली सकती है। इतना मत सोचो आप कि ऐसे वैसे, उधर अलग अलग बने हुए इनके लिए कहने, अभी छोटा है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, बाद में बड़ा ले जाओ, फिर ले जाओ, कोई क्या हो जाएगी। थोड़ा कुकू आपका पेट है, पैर तो नहीं है तो स्टीड होगी, लेकिन अभी चोट लगा है तो फिर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इनका, दिल दुखता है इसको बेचते हुए। बेटी ने निकाली थी ऐसे नाली में घूमती थी, वहाँ से लाई थी बेटी इसको, अभी बेटी को पता चलेगा भेज दिए तो वो काफी दुख मनाएगी, वो आ जाएगी एक हफ्ते बाद, आप मिलना आ जाना मिलना। चलो ठीक है, ठीक है, फिलहाल इसको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, बाकी ट्रीटमेंट उसके उधर स्टार्ट कर देंगे। अभी शाहपुर से कॉल आई थी कि वो कि एक्सीडेंट से टांग कट गई है, तो रेस्क्यू पे जा रहे हैं। रोड पे क्रॉस कर रहा था ना, उधर से गाड़ी आया था टक्कर मारने। कब हुआ था इसका एक्सीडेंट? सर्दी में हुआ था। ये आपका पेट है? हाँ जी। तो अभी आपने इसका कुछ इलाज नहीं कराया? किया था, इसमें हमने लगाया 10,000 लगे, ठीक हो गया था। तार क्रॉस कर ली है इसने, इसको फिर चोट आ जाती है। बोल रहे कि मैं पहले अपने हस्बैंड से पूछूंगी कि क्या करना है इसका, तो फिर वो बाद में फोन कॉल करेगी उसके बाद। फिर अभी हम जा रहे हैं ट्रीटन स्ट्रीट, किसी ने बैल के नाक में ना रस्सी डाल के अगले पांव में बांध दी है। यहाँ पे उजाड़ ही है, वैसे बंजर जमीन है, लोग पता नहीं क्या करते हैं, बंजर जमीन में भी नहीं खाने देते हैं इनको, पकड़ते हैं और निकेल डाल देते हैं जल्दी। अभी हम इसको जायला दे रहे हैं, मेन रोड है, ज़्यादा इसको भगा भी नहीं सकते, थोड़ी देर वेट करते हैं। इससे कीड़े पड़ गए हैं इसको ना, बुरी हालत हो गई। ये लगाई थी इसको,
बताओ, बेचारे को आराम से मिला। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे गांव में कल लड़कों ने स्प्रे की थी, ये जो इसका बोन का जो है दिक्कत है, तो उससे तो काफ़ी फर्क पड़ा था, पर ये हाथ नहीं आ रहा था इनके, तो कीड़े निकल रहे हैं ना इतने इतने बड़े, हालत ख़राब होगी इसकी, टूटा हुआ है ना सिंग, तो इसमें मैगट्स पड़ गए हैं काफ़ी अंदर तक, इसको लेके जा रहे हैं यहाँ पे, ट्रीटमेंट करना मुश्किल है थोड़ा, अब वो आगे जाएंगे एक और केस, दूसरे वालों को भी ना नकेल डाली हुई है। इस साल जब बैलों के प्रति क्रूरता के मामले जब जसूर से आना शुरू हुए तो फिर वो सिलसिला थमा ही नहीं। जब ऐसे ही सूअर पकड़ने वाले अवैध शिकंजों के मामलों में वृद्धि हुई थी, तब हमने डीसी ऑफिस की मदद ली थी और वो मामले बंद हो गए थे। अब की बार भी डीसी ऑफिस में हमने सारी डिटेल्स दे दी हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम पालमपुर जा रहे थे तो हमें चुरल में मिला है, इसको ना स्किन डिजीज है, फिर आज उसको पकड़ के लेके आए, किसने छोड़ी हो तो हम क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि मैं उधर का नहीं हूँ। फोटोज वगैरह भेजी थी तो उसका घाव एक्चुअली काफी ज्यादा बड़ा था, अब वो वहाँ रहते भी नहीं है, फिर भी उन्होंने मैनेज करके इसको एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करवाई, काफी इम्प्रूव्ड लग रही है ऑलरेडी सिचुएशन इसकी वुंड की तो, बट काफी अभी ट्रीटमेंट तो चलेगा इसका स्किन के लिए। गुड गाइस।